वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ। जियो का मतलब क्या है यहाँ पे? अर्थ। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। तो आप इस वर्ड को समझिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? सैटेलाइट। तो ये वो सैटेलाइट होती है बेटा जो हमें रेस्ट में दिखाई देती है। अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमें कैसी दिखाई देगी? एक फिक्स्ड पोजीशन पे, एक फिक्स्ड हाइट पे दिखाई देगी। और हमें क्या लगेगा? ये रेस्ट में है। हमें क्या लगेगा? ये स्टेशनरी है। तो इट इज दैट सैटेलाइट, दो सैटेलाइट which are at fixed position और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? स्टेशनरी। फिक्स्ड पोजीशन टू एन ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर बेटा हम अर्थ के सरफेस से देखते हैं तो ये सैटेलाइट हमें कैसी दिखेगी? स्टेशनरी दिखेगी, फिक्स्ड दिखेगी, रेस्ट में दिखेगी एवरी टाइम। इन सैटेलाइट को, क्योंकि ये क्या करती है बेटा, जैसे लेट अस कंसीडर डायग्राम, ये हमारी अर्थ, दिस इज द स्फेरिकल बॉडी अर्थ, और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। कहाँ से कहाँ बेटा? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस साइड इज वेस्ट एंड दिस साइड इज ईस्ट। इस तरह से मान लीजिए, ये कोई मैं आपको ऑब्जेक्ट, ये कोई हमारी सैटेलाइट है और ये रोटेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो ये पोलर एक्सिस है हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये पैरामीटर्स क्या हैं? दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इक्वेटर एंड इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो सैटेलाइट है बेटा, जैसे ये अर्थ, लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ एंड इट इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के चारों तरफ ये अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ये जो सैटेलाइट है, this is the orbit of satellite, this is the orbit of satellite, ये मैंने satellite दिखाई। कैसे rotate करेगी बेटा ये satellite? जैसे earth rotate कर रही है उसी sense में, means west to east ये rotate कर रही है earth, तो ये जो satellite है ये भी हमारी west to east ही rotate करेगी। तो ये दोनों एक ही स्पीड से रोटेट करती है, तो ऑब्जर्वर को कैसी लगेगी? ये रेस्ट में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? रेस्ट में। तो दिस इज द ऑर्बिट एंड ये जो साइड में रोटेट दिखा रहा हूं, बिहाइंड द अर्थ, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इस ऑर्बिट को कहते हैं बेटा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अब क्या होगा, ये किस स्पीड से रोटेट करती है? द एंगुलर स्पीड, इज सेम, एज दैट ऑफ अर्थ, जिस स्पीड से बेटा अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, उसी स्पीड से ये सैटेलाइट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये भी कह सकते हैं आप, देयर स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज
सिंक्रोनाइज। इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ अगर 24 आवर्स में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो ये भी अपना एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में पूरा करेगी, 24 आवर्स में। तो इनका जो ऑर्बिट का नाम है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस, अदर नेम इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। Also known as geosynchronous satellite, क्योंकि इन सैटेलाइट ने अपने आप को अर्थ के साथ क्या किया, सिंक्रोनाइज किया। सैटेलाइट अब इसके रिगार्डिंग बेटा, जैसे इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो हाइट के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने वहां पे कैलकुलेशन के टाइम किया था। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला यूज किया था, 2π/r अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब, आर प्लस एच का क्यूब इंटू जी स्केयर ऑन बोथ साइड। तो टी स्केयर इज इक्वल टू 4π/r² और ये क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस एच क्यूब डिवाइड में जी। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हाइट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो हाइट आएगी इसमें, इस इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, टी स्केयर आर स्केयर जी डिवाइड बाय 4π² डिवाइड बाय 4π² टी स्केयर आर स्केयर जी डिवाइड बाय 4π² किसके इक्वल है बेटा, आर प्लस एच क्यूब, आर प्लस एच क्यूब। तो आर प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, टी स्केयर आर स्केयर जी अपॉन 4π² की पावर 1/3। और हमें किसकी वैल्यू लेनी है, एच टी स्केयर आर स्केयर जी अपॉन 4π² पावर 1/3 माइनस आर। अब इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं बेटा वो सभी नोन है। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट है, ठीक है, जियो आर रेडियस ऑफ अर्थ, जी 9.8 एंड आर की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 6400 किलोमीटर। तो इन सब वैल्यू को जब हम पुट करके एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू कम्स आउट 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अर्थ। जो अर्थ का इक्वेटर है बेटा, दिस इज द इक्वेटर, इससे इसकी इनकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 36,000 किलोमीटर होगी। इसी टाइप से बेटा हम ऑर्बिटल स्पीड जब इसकी कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आएगी 3.1 किलोमीटर/सेकेंड। किस स्पीड से रोटेट कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है, लीनियर स्पीड कितनी है इनकी, 3.1 किलोमीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए रिगार्डिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। और देखिए बेटा इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, फंक्शन क्या होता है सैटेलाइट का। ये जो सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये स्पेशली किस लिए यूज़ करते हैं, हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज़, बिकॉज दे हैव ए रिफ्लेक्टर, बिकॉज दे हैव रिफ्लेक्टर इनके पास क्या होता है बेटा, एक रिफ्लेक्टर होता है विच रिफ्लेक्ट द सिग्नल कैरिंग मैसेज, विच रिफ्लेक्ट सिग्नल कैरिंग मैसेज। क्योंकि ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होती है बेटा, इन सैटेलाइट को एक और नाम दिया गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या कहा गया इनको, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। They are also known as communication satellite. तो दो नाम कौन से पड़े बेटे इनके, जियोस्टेशनरी
सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस या अर्थ सिंक्रोनस एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके अलावा बेटा जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई इसके बारे में और डिस्कस करें, वो यूएसए ने लॉन्च की, दैट इज टेलस्टार, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च बाय यूएसए, दैट इज टेलस्टार। इंडियन में जो इसमें लॉन्च की, दैट इज इनसेट, इनसेट 2B एंड इनसेट 2C। अब यहाँ तक जितने भी हमने पैरामीटर डिस्कस किए हैं बेटा, उनको मैं एक बार फिर से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फिर से बताता हूँ। देयर आर 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लिसन केयरफुली। फर्स्ट जो पॉइंट बेटा यहाँ पे सामने आया, उसमें क्या हमें पता चला, इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 36,000 किलोमीटर। हाउ मच, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द इक्वेटर। सेकेंड, ये जो रोटेट करती है, इनका जो ऑर्बिट है जिसको नाम दिया गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इनका जो ऑर्बिट है वो क्या है, कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। सेकेंड पॉइंट, ये हाइट हमने कैलकुलेशन बताई, ऑर्बिट इज कोप्लेनर एंड कोसेंट्रिक विद इक्वेटोरियल प्लेन, विद इक्वेटोरियल प्लेन। अगर ये वाला जो इक्वेटोरियल प्लेन है, जैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये इसका क्या है ऑर्बिट, तो थीटा कितना होगा बेटा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। थर्ड, जियो स्टेशनरी का जो ऑर्बिट है एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और एक पॉइंट, ये हमें जो स्टेशनरी दिखाई देती है बेटा, इसका क्या लॉजिक है, जैसे अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, सेम 24 आवर्स में ये भी अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो ये जो 24 आवर्स है, क्या है इनका टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। एंड स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जो स्पीड आएगी इनकी कितनी आएगी, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, कर लिया बेटा नोट। जो सेकेंड टाइप के सैटेलाइट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। थोड़ा सा बेटा डायग्राम से आपको आइडिया लगेगा किस तरह से रोटेट करते हैं। अभी तक हमने एक इक्वेटोरियल का डायग्राम देखा था और उसमें हमने क्या सीखा, इक्वेटोरियल में ये जो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अबाउट इट एक्सिस लाइक दिस, एंड ये जो सैटेलाइट है वो इस तरह से इसके साथ साथ घूम रही है इक्वेटोरियल प्लेन लाइक दिस, दिस इज द। पर यहाँ पे जो पोलर सैटेलाइट है, अर्थ तो वैसे ही रिवॉल्व करेगी बेटा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, पर ये जो सैटेलाइट है ये इस तरह से इसके जो पोलर एक्सिस है इस तरह से रिवॉल्व करेगी, दिस इज पोलर सैटेलाइट। अर्थ ऐसे मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, एंड ये पोलर जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करेगी। तो यहाँ पे जो पोलर वो रहेगा, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ, अर्थ रोटेशन लाइक दिस अबाउट इट्स एक्सिस, और ये जो सैटेलाइट है बेटा इस तरह से रोटेट कर रही है, ये मान लेते हैं हम पोलर सैटेलाइट। और ये जो बैक साइड की लाइन है ये मैंने डैश में दिखाई, डैश लाइन, दिस इज द पोलर सैटेलाइट। दिस इज द पोलर एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, इस तरह से रोटेट करेगी बेटा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट लाइक दिस।
इक्वेटोरियल भी ऐसे रोटेट करे, दिस इज द इक्वेटोरियल एंड दिस इज द पोलर, और अर्थ का तो वही सिस्टम है। अब अर्थ क्या करती है बेटा, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और ये जो सैटेलाइट होती है वो इस तरह से घूम रही है। अब चौक दिख रहा है आपको, चौक दिख रहा है मीन्स सैटेलाइट दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, सैटेलाइट नहीं दिख रही, कहाँ है? बिहाइंड द अर्थ, डॉटेड लाइन से शो किया, डैश लाइन से शो किया। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इन सैटेलाइट में एक कैमरा फिट कर देते हैं। ये लो हाइट के सैटेलाइट अभी डिस्कस करेंगे, एक कैमरा फिट करेंगे। तो मान लीजिए ये इसका एक्सिस है और ये जो वन स्ट्रिप है इसकी, ठीक है, ये बॉल इसी टाइप की थी अभी अवेलेबल, तो ये जो स्ट्रिप है ये इसको कवर करेगी। अगले ऑर्बिट में क्या होगा, अर्थ फिर रोटेट कर जाएगी तो ये नेक्स्ट स्ट्रिप को कवर करेगी। तो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप ये कंप्लीट एरिया, कंप्लीट अर्थ को कवर करती है बेटा, और एक दिन में ये दो बार एक लोकेशन को कवर अप करती है, ट्वाइस इन ए डे। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से वर्किंग होगी? तो इसके बारे में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स, दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स विच रिवॉल्व्स अबाउट पोलर एक्सिस, अबाउट पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ, पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ। इनका जो इंक्लिनेशन है, द इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल इज 90 डिग्री विद इक्वेटर। इक्वेटर से कितना एंगल का है बेटा, 90 डिग्री का है, दिस इज द इक्वेटर इंक्लिनेशन। जो पहली सैटेलाइट थी जियो स्टेशनरी उसमें इंक्लिनेशन एंगल कितना था, 0 डिग्री, इनमें कितना है, 90 डिग्री। ये जो सैटेलाइट होती है बेटा लो हाइट सैटेलाइट होती है, दे आर लो हाइट सैटेलाइट, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट। नियर अबाउट 500 से लेके 800 किलोमीटर पर, इस बार क्या बताया गया डाटा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो काफी क्लोज होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से, जस्ट 500 से 800। और उनका क्या बताया था बेटा हाइट, 36,000 फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे थे, 36,000 अवे फ्रॉम इक्वेटर। इनका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, इन सैटेलाइट का टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेट 100 मिनट्स, जैसे इसमें भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, कितना होता है अप्रॉक्सीमेट 100 मिनट, वहाँ पे भी कितना आया था, 86 पॉइंट समथिंग आया था, तो अप्रॉक्सीमेट 100 मिनट्स। ये जो सैटेलाइट होती है नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, इन्हें हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन पर्पस कौन सी करते हैं बेटा कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, इनको हम यूज़ नहीं करते। तो फिर इनका क्या यूज़ करेंगे, इनका मेन मोटिव वही है बेटा, इनमें एक कैमरा फिट कर देंगे और ऑब्जर्व करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए इनका यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैमरा, हेल्प ऑफ कैमरा वी कलेक्ट डाटा, वी कलेक्ट डाटा। किस टाइप का डाटा, क्या आइडिया लगता है बेटा, जैसे कि अर्थ में फॉरेस्ट एरिया कितना है, वाटर को कितना एरिया ने, वाटर को वाटर से कवर्ड है अर्थ, ठीक है, कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया, या फिर वेस्ट लैंड कितनी है, इस टाइप से जो भी डाटा है, फिशिंग जोन एरिया कितना है, इस टाइप का जो डाटा है हम वो इससे कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन इसमें हम डिस्कस करते हैं, लाइक कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, यूज़ में वी डिटेक्ट द फिशिंग जोन, फिशिंग जोन इन रिवर्स ओशियन, वी डिटेक्ट द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, वी डिटेक्ट द एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ अर्थ अंडर वाटर, अंडर वाटर या कवर्ड विद वाटर,
इसके अलावा वेस्ट लैंड का आइडिया लग जाएगा, वेस्ट लैंड कितनी वेस्ट है अपनी लैंड, ठीक है। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर, क्लाउड इन्फॉर्मेशन, क्लाउड इन्फॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर डिटेल, एटमॉस्फेयर डिटेल्स लाइक ओजोन लेयर्स, ठीक है। इस टाइप का जो डाटा है बेटा वो हम इससे कलेक्ट करते हैं और उनसे क्या करते थे, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है बेटा, इनका जैसे नाम बताया मैंने, पोलर सैटेलाइट एंड दिस इज़ द पोलर ऑर्बिट, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर ऑर्बिट। इनका एक नाम और है, सन सिंक्रोनाइज, सन सिंक्रोनाइज, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, उनको क्या नाम दिया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब लॉन्च कौन कौन सी सैटेलाइट हुई है बेटा, इंडिया की तरफ से जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है उसमें जो है हमारी IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, 1A, 1B, 1C एंड 1D। इंडिया ने आज तक बेटा 4 सैटेलाइट लॉन्च की हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। और ये जो लास्ट की 2 सैटेलाइट है बेटा, स्टिल इन वर्किंग, दीज 2 स्टिल इन वर्किंग। आई होप बेटा आपको सैटेलाइट के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। लेक्चर को अच्छे से देखिए, इंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।